नाउ जनरली हम सभी अपने बाइक को सर्विस एक बार ज़रूर करवाते हैं जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट डू यू नो कि बाइक की सर्विसिंग के साथ साथ आपको अपने डिस्क ब्रेक को भी सर्विस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप खुद ही बड़े आराम से अपने घर के अंदर बैठ के अपने बाइक के डिस्क ब्रेक को सर्विस कर सकते हो जिससे उसकी स्टॉपिंग पावर बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी। श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखना एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज अगर आप स्किप करते हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें से मिस कर जाओगे जिसके वजह से आपका जो डिस्क ब्रेक होगा वो पहले की तरह न्यू परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो करेंटली अभी जो बाइक देख रहे हो आपको पता ही है, ये मेरी बाइक है स्कॉट स्केल 740 जिसको मैंने खुद कस्टम बिल्ड किया है एंड करेंटली इसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, बट ये स्टेप आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में भी कर सकते हो। सो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग करेंगे अपने डिस्क ब्रेक के कैलिपर को पूरा क्लीन। एज यू कैन सी अभी जो मेरा डिस्क ब्रेक का कैलिपर है देखो कितना गंदा हो रखा है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ऑफ रोड करता हूँ जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है एंड इस तरीके के डर्ट इस कई बार हैम्पर करते हैं हमारे ब्रेक के परफॉर्मेंस को, फिर चाहे वो मैकेनिकल हो या वो हाइड्रोलिक हो। सो पहले इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, देन हम इसको इसके पॉइंट में से रिमूव करेंगे, देन आई शो यू द नेक्स्ट स्टेप। पर सो क्लीनिंग के लिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस सिंपल लिक्विड सोप, ये कहीं पर भी मिल जाएगा। एंड ये जो बॉटल है ये कॉलिन की बॉटल है जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है स्प्रे के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो एंड अपने डिस्क ब्रेक को कैलिपर को क्लीन करने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो स्टेप नंबर वन, आप अच्छे से पहले सोपी वाटर से इसको पहले इस तरीके से पूरा भिगो दो ताकि आपका जो कैलिपर है वो साफ़ हो जाए। एज यू कैन सी जैसे ही मैं इसमें स्प्रे कर रहा हूँ देखो सारी जो मिट्टी है वो पूरा निकल जा रहा है हमारे कैलिपर में से। अच्छे से इसको पूरा स्प्रे कर दूंगा। नाउ आई नो कि ये सोपी वाटर अंदर डिस्क ब्रेक के पैड में भी जाएगा, बट डोंट वरी, इससे कोई ख़राबी उसमें नहीं आएगी बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्क ब्रेक के पैड को भी पूरा रिस्टोर करेंगे। नाउ सो एक बार जब हमने इसको पूरा भिगो दिया है, आई एम यूजिंग एन ओल्ड टूथब्रश, यू कैन यूज़ एनी ब्रश बट टूथब्रश से काफ़ी अंदर तक हम पहुँच सकते हैं। सो इसको पूरा अच्छे से एक बार क्लीन कर लो अपने कैलिपर को, सारी मिट्टी वगैरह जहाँ जहाँ उसमें लगी पड़ी है उसको निकाल दो कुछ इस तरीके से। ओके अब जो ये साफ हो चुका है, यूज़ एन ओल्ड क्लोथ एंड इसको पूरा अच्छे तरीके से आप साफ कर लो। नाउ मेक श्योर आप जो कपड़ा यूज़ कर रहे हो वो गंदा ना हो ज़्यादा, मतलब उसमें कोई भी ग्रीस वगैरह ना लगा हो, बिल्कुल साफ कपड़ा हो ताकि आप जब अपने डिस्क ब्रेक के रोटर को इस तरीके से कुछ साफ करोगे सोपी वाटर से तो वो उसको कंटेमिनेट नहीं करेगा। राइट सो यू कैन सी द डिफरेंस, पहले के मुकाबले देखो ये बहुत ज़्यादा साफ है, सारी मिट्टी एंड धूल इसमें से निकल चुकी है। गैस वो द स्टेप नंबर टू, हमको अपने डिस्क ब्रेक के कैलिपर को निकालना होगा इसके माउंटिंग पॉइंट से बाहर ताकि हम इसके डिस्क ब्रेक के पैड को रिमूव कर सके एंड जो इंटरनल का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग साफ कर सके। सो आई एम यूजिंग अ मल्टी टूल, आप एक 5 नंबर की एलन की का यूज़ करके इन दोनों बोल्ट्स को निकाल लो। सो देयर वी गो, हमारा कैलिपर रिमूव हो चुका है एंड जस्ट केयरफुली इसको आप अपने डिस्क ब्रेक के उसमें से निकाल लो। नाउ इट इज़ टाइम दैट वी क्लीन द इंटरनल्स ऑफ दिस कैलिपर, सो चलो उसको करते हैं। एज यू कैन सी मेरे जो डिस्क ब्रेक के जो पैड्स हैं वो इस स्मॉल बोल्ट्स के थ्रू वहाँ पे सिक्योर्ड हैं। डिफरेंट तरह के कैलिपर्स में डिफरेंट तरीके का सेटअप हो सकता है, आपके में यहाँ पे एक पिन हो सकता है जिसको आप निकालने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसको पिन को प्रेस करके आप निकाल सकते हो, बट मेरे केस में इसको एलन की से निकालना होगा। सो लेट्स रिमूव दिस। नाउ ऑल आई नीड टू डू यूज़ दिस फिंगर एंड सिंपली इसको थोड़ा सा पुश करके अंदर की तरफ हमारा पैड कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। मेक श्योर व्हेन यू आर रिमूविंग द पैड आप इसके इंटरनल सरफेस को टच ना करो बिकॉज आपके हाथ में कंटामिनेशन हो सकता है जिससे वो पैड में ऑयल या ग्रीस उसमें जा सकता है। सो जस्ट आप इस तरीके से प्रेस करके अपने पैड्स को निकाल लो एंड इसको आप कहीं पे सेफ दूर जगह पे रख दो ताकि ये आपके कॉन्टैक्ट में ना आए या आप इसको ख़राब ना कर दो। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस बट इसके अंदर आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है, ये सारा ओवरऑल राइड का नतीजा है जिसके वजह से अंदर देखो कितना ज़्यादा गंदगी जमा हो रखी है, प्लस जो हमारे ब्रेक पैड्स जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं और वो घिसता है तो उसके भी मटेरियल जिसके अंदर पूरा लगा हुआ है, तो इसको हम लोग पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। लेट्स डू दैट। नाउ इफ़ यू आर अ मैकेनिकल ब्रेक यूज़र आप इसके अंदर का क्लीन कर सकते हो थोड़ा WD-40 को लगा के, बट मेक श्योर कि जब आप WD-40 से अंदर को क्लीन करोगे तो आप सारा WD-40 को वापस एक कपड़े से रिमूव कर लो। नाउ इन केस यू आर अ हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़र लाइक मी, आई डोंट रिकमेंड कि आप इसके अंदर WD-40 को स्प्रे करो बिकॉज उससे आपके जो हाइड्रोलिक ब्रेक के सील्स हैं ये ख़राब हो सकते हैं। सो इन दिस केस आपको यूज़ करना है इस तरीके का एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या रबिंग अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं, एज यू कैन सी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल,
ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से या कंप्यूटर रिपेयर के स्टोर से ख़रीद सकते हो, करेंटली भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वैसे ही नहीं मिल रहा है। सो वी गोना बी यूजिंग दिस टू क्लीन द इंटरनल्स ऑफ आर हाइड्रोलिक ब्रेक का कैलिपर, तो चलो इसको साफ़ करते हैं। यूज़ एब्सोल्युटली न्यू क्लोथ, कोई भी कंटेमिनेशन इस क्लोथ में ना हो, इस तरीके का क्लोथ आप यूज़ करो। एंड आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कुछ इस तरीके से कपड़े में लेके, एंड देन इस कपड़े की हेल्प से आप इसके इंटरनल्स को कुछ इस तरीके से साफ कर लो। यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रीस एंड ओल्ड गंक कमिंग आउट, दैट इज़ टोटली फाइन बिकॉज आप इसको पूरा अच्छे तरीके से सर्विस कर रहे हो एंड काइंड ऑफ आप अपने ब्रेक को पूरा रीसेट कर रहे हो ताकि ये न्यू जैसा ब्रेकिंग पावर आपको हमेशा देता रहे। ऑलराइट गाइस, सो एज यू कैन सी काफ़ी हद तक जो हमारा इंटरनल्स है हमारे ब्रेक के कैलिपर का, वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। ऑलराइट गाइस, फॉर द थर्ड स्टेप वी विल बी क्लीनिंग दिस ब्रेक पैड। आप देख सकते हो कि देखो ये ब्रेक पैड कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, देखो पूरा काला हो गया है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा जो ब्रेकिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, बिकॉज ओवर टाइम जो हमारे डिस्क ब्रेक के पैड्स हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं एंड ब्रेकिंग अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स क्लीन देम एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन क्लीन देम इजीली। ब्रेक पैड्स को कुछ इस तरीके से पानी से कर लो, मेक श्योर कि थोड़ा सा गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेटर होगा, तो कुछ इस तरीके से आप गर्म पानी में इसको इस तरीके से डुबा लो एंड देन यूज़ अ लिक्विड सोप लाइक दिस एंड देन आप इस लिक्विड सोप को कुछ इस तरीके से अपने डिस्क ब्रेक के पैड के ऊपर डाल लो ना। सो एक बार जब आपने लिक्विड सोप को अपने पैड के ऊपर इस तरीके से डाल दिया है, आप अपने पैड्स को कुछ इस तरीके से पकड़ के आपस में रब करो जिससे उसके अंदर लगा हुआ सारा कंटामिनेट निकल जाएगा। क्लीन देम विद वाटर। सो गाइस, एज यू कैन सी हमारा जो डिस्क ब्रेक का पैड है, देखो ये पूरा ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन जैसा पूरा हो चुका है। इसके अंदर जितना भी ग्रीस एंड ऑयल लगा हुआ था वो सारा रिमूव हो चुका है। एंड नाउ इट्स टाइम कि इसको भी थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं लगाने से पहले। गाइस, जब तक हमारा पैड पूरी तरीके से सूख रहा है, जो हमारा रोटर है इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं, बिकॉज रोटर का क्लीन होना भी ज़रूरी है एक अच्छे हाई पावर डिस्क ब्रेक परफॉर्मेंस के लिए। सो आई एम यूजिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड अ टिश्यू पेपर, उससे मैं इसके सर्फेस को क्लीन करूँगा। सो आई एम यूजिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड अ टिश्यू पेपर लाइक दिस। आप चाहो तो एक साफ़ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव टिश्यू पेपर, और पेपर टॉवल्स। कुछ इस तरीके से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप अपने टिश्यू पेपर में लेके क्लीन द एंटायर रोटर लाइक दिस। दिस विल इंश्योर कि आपके डिस्क ब्रेक के रोटर में जितना भी ऑयल या कंटामिनेंट होगा वो निकल जाएगा। गाइस, एज यू कैन सी जो हमारा रोटर है अब ये पूरी तरीके से क्लीन है एंड काफ़ी शाइन कर रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द स्टेप नंबर 4। अ सैंड पेपर, ये आपको नॉर्मल दुकानों में 10 रुपये में मिल जाएगा। वी नीड टू सैंड आउट अ लिटिल बिट ऑफ द पैड, जस्ट सिंपली ज़्यादा प्रेस ना करके आप हल्का हल्का कुछ इसको इस तरीके से सैंड पेपर के ऊपर रब करो जिससे ये पूरे तरीके से इसके ऊपर के एक सरफेस को रिमूव कर देगा एंड डिस्क ब्रेक पहले की तरह रिस्टोर हो जाएगा। कैन कंपेयर दी आफ्टर डिस्क ब्रेक पैड और जो पहला हमारा डिस्क ब्रेक के पैड थे उसमें आप कम डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। नाउ इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो अपने डिस्क ब्रेक के पैड को इसके कैलिपर में वापस फिट करो, आप ग्लव्स पहनो, बट सिंस मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पास ग्लव्स नहीं होगा, सो आई एम गोना शो यू हाउ इजीली यू कैन डू इट विदाउट टचिंग द सरफेस। यू होल्ड ऑन टू दिस सरफेस ताकि आप इंटरनल सरफेस को बिल्कुल भी टच ना करो एंड देन सिंपली यू जस्ट पुश देम बैक टू देयर सरफेस लाइक दिस। हो गया, एंड साथ में जो आपके पिन मिला है उसको आप वापस रिस्टोर कर दो। पैड हमने लगा दिया है तो अपने कैलिपर को पूरी तरीके से टाइट मत करना, इसको कुछ इतना लूज रख देना, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट एंड फाइनल स्टेप। इज वाइल इट इज़ लूज यू मेक श्योर यू गो टू योर ब्रेक लीवर, आपके रियर ब्रेक या जो भी ब्रेक आप फिक्स कर रहे हो उसमें आप जाओ एंड उसको अच्छे तरीके से टाइटली प्रेस करके रखो। वाइल कीपिंग द प्रेशर ऑन द ब्रेक लीवर आप अपने डिस्क ब्रेक के कैलिपर के बोल्ट्स को अच्छे तरीके से पूरा टाइट कर दो। यू कैन सी कोई भी रबिंग हमारे डिस्क ब्रेक के रोटर एंड कैलिपर के बीच में नहीं है जिससे ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है। सो देयर यू गो गाइस, आपने खुद अपने डिस्क ब्रेक के पावर को बिल्कुल न्यू जैसा पहले की तरह बना लिया है।
सो गाइज इन केस आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस की जरूरत होगी तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो एंड इस वीडियो के एंड में और भी ज्यादा मेंटेनेंस के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जो मैंने प्रीवियसली बनाए हैं। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, साथ ही जो बेल बटन है उसको आप प्रेस करके रखिए ताकि जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट सम मोर अपडेट्स रिगार्डिंग मी, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @cycleriderroy, वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी मस्ती करते रहते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो को लेकर। टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।